अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोल कुकिंग। और आज मैं आपको बनाना ये सिखा रही हूँ, आलू मटर बनाएंगे आज। ये मैंने फ्रोज़न मटर ले लिए और मैंने 5 आलू ले लिए और 1 गड्डी पालक। आज मैं मार्केट गई थी, फ्रेश पालक आई हुई थी तो मैं लेके आई हूँ, और साथ में 2 टमाटर और 5 मिर्चें और लहसुन और क्या कहते हैं अदरक, जिंजर और प्याज, 1 ये प्याज ये डालूंगी। तो इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ इन चीज़ों का, तो मैं आपको भी बताती हूँ। अभी मैं तेल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल का बनाऊंगी। किसी भी कुकिंग ऑयल से आप बना सकते हैं, चाहे घी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप होगा, और ये मैं अभी इसमें प्याज डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज अभी ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें वो मसाला ऐड करूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया है। अभी प्याज ब्राउन हो गए, हल्के से गोल्डन हो गए, और ये मैं जो मैंने पेस्ट बनाया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। आनी पे ही भर चलूँ इस रास्ते, और ये हल्का सा मैंने इसे भून लिया। अभी मैं टमाटर इसमें डाल रही हूँ, 2 टमाटर। ये टमाटर ज़रा से तुरश होते हैं, ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, इनका जायका अच्छा होता है। और वैसे भी पालक आलू इसमें मटर में टमाटर अच्छे लगते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। अभी मैं मसाला डाल रही हूँ, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून करी पाउडर और 1 टीस्पून नमक का। ये मैंने डाल दिया इसमें, और साथ में मैं अभी आलू डाल दूंगी इसमें। आलू इसी मसाले में पक जाएंगे, मसाला भूनूंगी साथ में आलू भी गल जाएंगे। इतने इतने पीसे साफ कर लें छोटे छोटे को। मटर मैंने फ्रोज़न लिए हैं, वो मैं पालक के साथ ही ऐड कर दूँगी। पहले भी आप कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पालक बाद में डालनी चाहिए ताकि उसका जो ग्रीनपन होता है, हरापन, वो ख़त्म ना हो, काली नहीं होनी चाहिए। तो ये रहे हमारे आलू। मसाले में ये हल्के से पक जाएंगे और बाकी में ये पालक के साथ ही पक जाएंगे, पानी नहीं डालूंगी इसमें। आगे मैं दिखाती हूँ आप, और साथ ही थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे खोल के देखें आप कि कहीं लग ना जाए। ये नहीं कि मसाले में डाल दिए आलू और इसी में पक जाएगा, और हल्के हाथ से आप ऐसे चम्मच इसमें चला दें और देखें कहीं लग तो नहीं रहे। तो टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया और ये पक रहे हैं। टेस्ट बदलाने के लिए कभी कभी मज़ा करते हैं, अच्छे लगते हैं। नमक मसाला सारा पूरा,
इसमें धनिया पाउडर या ज़ीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं, मगर हम कम मिसाला खाते हैं इसीलिए मैंने नहीं डाला, वरना बहुत मज़े के बनते करारे से। आलू हल्के से पक गए, अभी मैं इसमें ये मटर डाल देती हूँ, फ्रोजन मटर है, मटर ये जल्दी गल जाते हैं। बस आलू पकने में अभी मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। पालक में पानी होता है तो ये थोड़ा सा और पानी अपना छोड़ेगी और साथ में आलू भी गल जाएगी, जो बाकी कसर है आलू में। पालक ने पानी छोड़ दिया अपना सारा और आलू ने भी, तो अभी ये जब पानी सूख जाएगा सारी चीज़ें सही तरीके से पक जाएंगी तो तरी ऊपर आ जाएगी, उसके बाद बस ये तैयार है। दो तीन मिनट और लगेंगे। और ये रहे हमारे आलू मटर तैयार हो गए, बहुत मज़े के बने हैं। और आप भी इसी रेसिपी से बनाएं, हल्की सी तरी होनी चाहिए और बिल्कुल ड्राई हो जाए तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।